तो हम लोग जो है भरतपुर घाटमिका गांव में है, नासिर और जुनेद ये गांव है। ये प्यारी सी मस्जिद है इस गांव की, एक बार इधर दिखाइए आप, जो है देख सकते हैं ये प्यारी सी मस्जिद है छोटी सी। तो घर का हाल आप देख सकते हैं, ये घर है, जगह भी नहीं है यहाँ पे बैठने के लिए। लोग जो है इस वक्त हम लोग जो है भरतपुर राजस्थान में है, और जो नासिर और जुनैद को लेकर जो गौ रक्षा के नाम पे जो हत्या की गई है उनको लेकर अभी जो है गिरफ्तारी नहीं हुई, एक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हीं के घर पे अभी हम लोग आए हुए हैं भरतपुर। तो हम लोग जो है भरतपुर घाटमिका गांव में है, नासिर और जुनैद का ये गांव है, और यहाँ देख सकते हैं लोग जो है मिलने जो आ रहे परिवार से, उन लोगों का ये मतलब ये सामने जो है घर है, और यहाँ जो है ये लोग जो आ रहे मिलने जुलने के लिए उनसे यहाँ मिला जुला। अफजल भाई भी आए हुए हैं दिल्ली से, पत्रकार। जी जी, क्या खबर, क्या मिली अफजल भाई आपको? बहुत ही दर्दनाक, हृदय विदारक और दिलों को दहला देने वाली, रूह कपा देने वाली और आंखों में आंसू ला देने वाली खबर है कि एक 25 साल का नौजवान, एक 35 साल का नौजवान, 25 साल के नासिर और 35 साल के जुनैद, जो दोनों मजदूरी और क्या करते थे मतलब रोज़मर्रे की काम, रोज़ कुआं खुद कर पानी पीने वाला काम था, घर में परिवार भी थे, और जुनैद के तो 6 बच्चे थे, नासिर ने 2 बच्चों को गोद ले रखा था, अपने 2 भाइयों, 3 भाई हैं नासिर। तो बड़ी मतलब दिल को कचोटने वाली खबर है कि हमारा प्यारा हिंदुस्तान, जहाँ पे खूबसूरती ये सब साथ मिल कर के रहने की खूबसूरती थी, लेकिन सोचिए कि नफरत कहाँ तक पहुँच चुकी है और सियासत कब तक आखिर इसी तरह से मुसलमानों के खून, मैं सीधे कहूँगा सीधे लफ्जों में राशिद, कि मुसलमानों के खून से सनी कुर्सी पर राज करेगी, कागज करेगी। ये नासिर का घर है, ये देखिए इसी घर में रहता है 3 भाई, ये छोटी सी झोपड़ी है, तमाम मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। नासिर की बहन देख सकते हैं पूरे गांव में जो कितना चहल पहल है, लोग जो है यहाँ लगातार आ रहे हैं मिलने जुलने के लिए। यही घर है, करना है। तो घर का हाल आप देख सकते हैं, ये घर है, जगह भी नहीं है यहाँ पे बैठने के लिए। लोग जो है मीडिया का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है, लोग आ रहे जा रहे हैं लेकिन जगह है नहीं। के भाई को और जुनैद को ही क्यों मुश्किल सर? बहुत हादसे हमारे गांव में और इधर और पास के गांव में बहुत हादसे किए। एक पहला हादसा नहीं, ये तो उठ गए मुद्दा, इन्होंने ज़्यादा बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, तो नहीं ऐसी हरकत होनी। हरियाणा में तो कोई सुना ही नहीं, प्रशासन उनके साथ रहता है, पुलिस उनके साथ रहती है। जब यहाँ से अभी आप अंदाज़ा लगा लो, जब हमारा आज पुलिस का काम है कोई भी घटना हो रही हो उसको, हमारे आदमियों को उनके पास लेके गई है थाने में, और फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया तो मारने के लिए, आप खुलेआम जाके नहीं इनको जला दो, तो इसमें सब गलती पुलिस की है ना। तो हरियाणा की पुलिस उनका पूरा साथ देती है, हरियाणा सरकार भी उनका पूरा साथ, उनको बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जब भी वह सरेआम हथियार ले रहा था वह नजर आता। ये दीवारें हैं घर की नासिर के, और अंदर की तरफ चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि घर कैसा है। देखिए ये है घर, एंट्री करेंगे यही नासिर का घर है छोटा सा। मतलब आप क्यों नहीं सकते, एक भाई के जाने का गम, भाई के गुजर जाने का दर्द क्या होगा, जिस तक भी ये खबर पहुंची वो दिल दहला देने वाली ये खबर में सभी के आंखों में आंसू।
कि किस तरह से जिंदा दो लोगों को जला दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर कि उसने गौकशी की है, उसके ऊपर गौकशी का आरोप है। और गौ रक्षक दल जो कहते हैं कि गौ की सेवा कर रहे हैं, गौ माता है, इस नाम पर यही घर है नासिर का, जो तीन भाई है और ये देख कमरे देख सकते हैं आप। और ये इनका खेल है, ये इनका बिजनेस है, ना कि कोई वो गौ सेवा कर रहे हैं, ना कि कोई जा रहे हैं। उनका पर्दाफाश करेंगे अभी हम, इंशाल्लाह, ठीक है। ये गोरख धंधा नहीं चलेगा, ये भाजपा और कांग्रेस में आई लव यू नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये आपस का सांठ गांठ करके आप मुद्दा हल्का जो करना चाह रहे हैं, चाहे यहाँ के लोकल एमएलए हो या कांग्रेस की यहाँ से सरकार हो, सब पर जवाबदेही तय होगी। और ये यहाँ का राजस्थान का मुसलमान पूछ रहा है, बिल्कुल, कि आपकी ये जो चुप्पी है, आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? राजस्थान की सरकार मोनू बनसर को बचाने की कोशिश कर रही है, गिरफ्तारी हुई है एक हफ्ते में। लेकिन अभी तक हमारे से बावजूद अभी तक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सर को बुला, बारी बारी से एक एक आदमी बोलिए। अब तक ऐसा है कि हमारे जितने भी मुलजिम होते हैं, अभी गिरफ्तारी हो जाए, यहाँ की लोकल एमएलए साहिबा आई है, बहुत जानना चाहिए। अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आप ये देखो कन्हैया मामले में 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है, इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता? इसको 50 लाख दिया जाता है और ये 20 लाख का लोन पहुंच देंगे कौम की सारे गरीबों का। सोएब जमाई टीवी पैनलिस्ट जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं नासिर के घर पे, अभी मुलाकात करने जा रहे हैं फैमिली के लोगों से, देख सकते हैं। आप उसका एहसास कर सकते हैं, यकीन मानिए हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बेचैनी है पिछले 2-3 दिनों से कि ऐसा लगता है कि कलेजा फट जाए। जब हमने वो तस्वीर देखी तो यकीन नहीं हुआ कि हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है, और इस तरीके से सरसरी और इतना ज़्यादा जो है सीना। जी आप बोले ना, हम सुन रहे हैं। बिल्कुल, अभी हमें 4 दिन होगा, कोई इंसाफ नहीं। बिल्कुल, इस बात का हर कोई मिलेगा, इंशाल्लाह जल्द मिलेगा, आप थोड़ा सा सब्र रखिए, मिलेगा। और बहुत सारा अलग अलग चीज़ें यहाँ चल रही हैं, और लोकल ये लेवल पे मुझे लगता है यहाँ के जो बड़े हैं, हमारे उलमा हैं, हमारे बुज़ुर्ग हज़रात इस चीज़ को बेहतर समझ रहे हैं। तो हमारे बुज़ुर्गों ने ये कहा अभी एक मीटिंग में कि भाई इसमें हम गांव वाले अपने तरीक़े से समझ लेंगे और हम सब सेटिस्फाइड हैं इस कार्रवाई से, तो इस पर ज़रा ज़रूर पूछा जाए कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आप तक। और अगर नहीं हुई हम फिर दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, और फिर हम सवाल पूछेंगे कि भाई अब तक यहाँ से क्यों नहीं इंसाफ मिला, ये हम आपको वादा दिलाते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। ये प्यारी सी मस्जिद है इस गांव की, एक बार इधर दिखाइए आप, जो है देख सकते हैं ये प्यारी सी मस्जिद है छोटी सी, लेकिन जो है मातम पसरा हुआ है पूरे गांव में, पूरे इलाके में, और कहा जा सकता है कि शासन और प्रशासन की ढीली रवैया के वजह से ये सब हुआ है। कब तक इंसाफ मिलता है ये तो समय बताएगा।